निवेदिता। 22 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगा ऐतिहासिक टेस्ट मैच और इस मैच को देखने के लिए फैंस और खेलने के लिए खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मुकाबला 22 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर खेला जाएगा और इस मैच का इंतजार दोनों टीमें बेसब्री से कर रही हैं। खास बात यह है कि टेस्ट गुलाबी गेंद से खेला जाएगा, लेकिन इस टेस्ट को लेकर टीम के उपकप्तान रहाणे को सपने आने लगे हैं। उन्हें सपने में गुलाबी गेंद दिखने लगी है। दरअसल मैच से पहले अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए रहाणे ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वो सोते दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने गुलाबी गेंद नजर आ रही है। रहाणे ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की, ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पोस्ट पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और ओपनर शिखर धवन ने मजेदार टिप्पणी भी की है। इस तस्वीर पर धवन ने कहा, सपने में फोटो खिंच गई, तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने लिखा, अच्छी तस्वीर जिंक्सी। दरअसल रहाणे ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि पिंक टेस्ट के सपने देख रहा हूं। आपको बता दें कि शिखर धवन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम इंडिया ने इंदौर में हुए सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को एक पारी और 130 रन से हराया था। इस मैच में जहां मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया था, वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी 172 गेंदों पर 86 रन की पारी खेली थी और वो शतक से महज 14 रन दूर रह गए थे। लेकिन इस मैच में उम्मीद करेंगे कि रहाणे बड़ी पारी खेलें और इस ऐतिहासिक टेस्ट को अपने लिए यादगार बना दें। कोलकाता में होने वाले डे नाइट टेस्ट पर न सिर्फ प्रशंसकों की नजर है, बल्कि दोनों टीमों के खिलाड़ी भी इस बेहतरीन लम्हे का गवाह बनने के लिए बेताब हैं।